Good morning, class. This is Shyam, and today we are doing question number 4 from exercise 4.3. And your question number 4 is: the taxi fare in a city is as follows. इसी शहर में गाड़ी का किराया उसके बारे में बात हो रही है. For the first kilometer, पहले किलोमीटर के लिए आप गाड़ी में बैठे, आपने पहला किलोमीटर ट्रेवल किया, तो आपसे पर किलोमीटर कितना चार्ज वसूल कर रहा है? ₹8 पर किलोमीटर. ठीक है, एक किलोमीटर के पहले एक किलोमीटर के लिए. ठीक है, the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. और आगे जो भी आप डिस्टेंस कवर करेंगे, मान लीजिए आगे आपने एक डिस्टेंस और कवर कर लिया, एक किलोमीटर और कवर कर लिया, उसके आपको रुपीज पड़ेंगे ₹5 per kilometer. क्लियर है? टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया, टोटल डिस्टेंस वो हो गया आपका एक्स किलोमीटर आपने कवर किया, एंड टोटल फेयर जो दिया आपको, टोटल किराया जो दिया वो हो गया आपका वाई रुपीज वाई. राइट द लाइन इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ अ ग्राफ. इस इन्फॉर्मेशन के लिए आप लाइन इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ बनाना है. क्लियर है? अब देखिए आगे का सवाल गिवन जो क्वेश्चन में वो क्या है, लेकिन गिवन दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर फेयर किराया इज इक्वल टू रुपीज वाई. यही होगा, इज इक्वल टू रुपीज वाई. ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले किलोमीटर के लिए, पहले एक किलोमीटर के लिए ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से, पहले एक किलोमीटर के लिए ₹8 लेंगे, फिर उसके आगे कितने किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे उसके लिए इसमें ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाएंगे. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो सीधा ही. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, उसके नेक्स्ट लिखो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वे. अब देखो बेटा ध्यान से देखना, जैसे कि मैं ही गया हूं किसी शहर में, मैं गाड़ी बैठ गया, पहले आठ मैंने मतलब मेरे आज समझ लो कि मैंने टोटल फेयर निकाल रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, टोटल फेयर निकाल कितना किराया दिया. देखो मैंने पहला एक किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके लिए मुझे लगे ₹8, कितने रुपए लगे ₹8. अब मैं आगे भी जाना है मुझे, ठीक है, आगे और तो मैं मान लो आगे मैं और गया तो उसमें और पैसे ऐड होंगे ना, ₹8+ और पैसे इसमें क्या होंगे ऐड होंगे. अब देखो मैं आगे गया, अब टोटल डिस्टेंस कितना मेरा एक्स, टोटल डिस्टेंस कितना मेरा एक्स, मैंने एक किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का एक किलोमीटर ट्रैवल मैंने कर लिया है, तो अब जो किलोमीटर बचे वो कितने बचे मुझे ये बताओ. टोटल डिस्टेंस का देखो मैंने एक किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, टोटल है एक्स, उसमें से एक मैंने एक किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, उसका किराया मुझे ₹8 लग गया, तो बाकी कितना बचा. तो देखो जो मैंने देखो जो चीज, जैसे कि मेरे पास आठ, मेरे पास एक्स ट्रॉफीज है, मान लो आठ ट्रॉफी है, एक मैंने खा ली, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा मेरे पास कितनी बची, तो मैं आठ से क्या कर दूंगा एक माइनस कर दूंगा. उसी तरह से टोटल डिस्टेंस अगर एक्स है और मैंने एक डिस्टेंस एक किलोमीटर ट्रेवल कर लिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस में से एक माइनस कर दो, टोटल डिस्टेंस में से एक किलोमीटर माइनस कर दो. ठीक है, टोटल डिस्टेंस में से एक किलोमीटर आपने माइनस कर देना है, और अब जो आपके लिए नया किराया लेगा माइनस करके, एक किलोमीटर तो हट गया, अब जो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपका किराया वो कितना लगेगा, 5 को 5 से पूरी इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो. अब जो बाद में पूरे पैसे बनेंगे आपके वो किसके इक्वल होंगे, टोटल फेयर, टोटल फेयर कितना है आपका वाई, बल्कि आपके इक्वेशन बस को सॉल्व करना. देखिए 8 5 x 5 x 5 = y. क्लियर है? एंड 8 में से 5 की तो बचने बेटा आपके 8 में से 5 जाएंगे तो आपके बचेंगे 3, तो 3 + 5x = y. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, हम यहां से इसी क्वेश्चन से ग्राफ निकालेंगे. अब जब हम करेंगे ग्राफ के लिए वैल्यू से बताता हूं आपको उसके लिए, तो जो वैल्यू हम पुट करते आ रहे हैं वही वैल्यू हम यहां पुट करेंगे. एक वाले से
हम पहले पुट करते हैं 0, 1, 2, माइनस वन इसलिए पुट नहीं कर रहे हैं बेटा कि एक्स क्या है आपका किलोमीटर, किलोमीटर का भी नेगेटिव में नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। किलोमीटर वो तो आपका आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, मतलब 0 किलोमीटर में आपका कितना किराया जाएगा, 1 किलोमीटर में कितना, 2 किलोमीटर में कितना। अब देखो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, सो 3 + 5x तो 5 × x हो जाएगा आपका 0 is equal to y, 3 plus 0 is equal to y and 3 is equal to y or y is equal to 3. जीरो कॉमा थ्री। अब देखो यहां पे 0 किलोमीटर, देखो x किलोमीटर, 0 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब क्या है, मतलब 0 किलोमीटर डिस्टेंस का ट्रैवल करने का मतलब ये है कि आपने कंप्लीट 1 किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया, मतलब आपने क्या 0.1, 0.2 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, ठीक है। सो उसमें आपको कितने रुपए लगेंगे यहाँ पे, 3, ठीक है। अब देखिए यहां पे आ गया आपका 0.3 आ गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, सो दिस विल बिकम 3 + 5 × 1 इज इक्वल टू y, 3 + 5 इज इक्वल टू y एंड1 = 8 × 1 = 8 × 8 = 12 = 8 × 8 = 12 = 8 × 8 = 12 = 8 × 8 = 12 = 8 × 8 = 12 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 = 8 × 8 =
अब ध्यान से देखिए, अब मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 1 किलोमीटर का मेरा 8 रुपए लगा और जो नेक्स्ट किलोमीटर का कितना लगा, 5 रुपए लगा, टोटल कितना हो गया 30 किलोमीटर। चेक करो 30 किलोमीटर आया 2 किलोमीटर का। तो मैंने कुछ करता है यहाँ पे एक में आया हमारा 8 और ये आ गया हमारा 30, सो जाएगा 1.8 जैसे किलोमीटर बढ़ेगा पहले को, तो 5 इंक्रीज होता रहेगा, नेक्स्ट क्या आएगा आपका जैसे 3 और 5 इंक्रीज करके 18, ठीक है। अब हम ग्राफ बना लेंगे इसका, तो कोई सारे के सारे वाले पॉजिटिव में हमारी एक्स वाई की वैल्यू आपकी 30 ना हाइएस्ट, तो आपने वाई एक्स की ज्यादा देना छोड़ दी लाइक दिस, एक्स ओरिजिन 0 वाई वाई डैश एक्स डैश की हमें जरूरत नहीं है। 1 2 3 डिविजन, एक डिविजन होगा एक ही यूनिट का लेंगे हम, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 8 9 10 Y एक्स लिख देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 कौन सा, x के लिए 0 कहां होती है बेटा, y एक्स की होती है 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, पॉजिटिव 3 यहां पे आएगा फर्स्ट पॉइंट 0.3, नेक्स्ट पॉइंट 1.8 यहां आएगा, x की वैल्यू 1 के ठीक सामने और y की वैल्यू 8 के ठीक सामने 1.8 यहां आ जाएगा 1.8। नेक्स्ट 2.13 2 यहां पे बेटा x की वैल्यू 13 के ठीक सामने जाएगी, बेटा 13 सबसे ऊपर है और 2 के ठीक सामने, आपने ग्राफ पेपर बनाना है, आपका 2.30 मिला देंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, मेरी नहीं बन रही है आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। जिससे क्वेश्चन नंबर 4 नाम ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करेंगे आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, यहां भी लिखा दूंगा। So question number 5 is Yamini and Fatima, two girls and two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. दो लड़की हैं, ठीक है, यामिनी और फतिमा, 9th क्लास की, किसी स्कूल की, उन्होंने ₹100 डोनेट किए, कहां, किस में, किसके, किसकी, किसके लिए डोनेट किया उसने, कहीं पे अर्थक्वेक आया हुआ और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उन्होंने ₹100 ट्रांसफर किए, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई दिस डाटा, एक लीनियर इक्वेशन लिखने जो इस डाटा को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यू नो यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई, मतलब आप यामिनी के कंट्रीब्यूशन जो है उसका इसमें रहा, यामिनी का हिस्सा एक्स मान लो और फतिमा का सवाई मान लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, तो जब गिवन आप सबसे पहले वो लिखते हैं, ठीक है, आपको पता है जैसे
क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे हम, हमें जो हमें गिवन है वो लिख देंगे पहले। गिवन यामिनी कॉन्ट्रीब्यूटेड, यामिनी कॉन्ट्रीब्यूशन लिख दी, कॉन्ट्रीब्यूशन कितने हैं यामिनी के, रुपीज एक्स एंड फातिमा कॉन्ट्रीब्यूशन। इज इक्वल टू रुपीज वाई, इज इक्वल टू रुपीज वाई, ठीक है। लिखेंगे बट यामिनी एंड फातिमा कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 100 टुगेदर, लेकिन उन्होंने दोनों ने साथ में मतलब एक साथ 100 रुपीज डाले प्राइम मिनिस्टर फंड में। अगर दोनों ने एक साथ डाले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो एक्स मतलब मान लो एक्स यामिनी ने डाले, फातिमा ने डाले वाई, तो दोनों ने मिलकर कितना डाले 100, तो मुझे हो जाएगी आपकी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सेम सिचुएशन नंबर 1 ग्राफिकली शो कर लेंगे हम इसको, यहां लिख ले नाउ ग्राफिकली देखिए। अब कॉन्ट्रीब्यूशन का मामला नहीं, यहां पे टोटल 100 रुपीज है और हमें कॉन्ट्रीब्यूशन निकालनी है, हमने ये निकाले कि कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना, तो हम क्या देखेंगे पहले, मान लीजिए कि यामिनी ने 20 रुपीज दिए, तो यहां तो फातिमा ने कितने दिए, मान लीजिए यामिनी ने सेकंड केस में 30 रुपीज दिए तो फातिमा ने कितने दिए, और मान लीजिए थर्ड केस में 40 रुपीज दिए हैं तो फातिमा ने कितने दिए वो निकालना है, ठीक है। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, सो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 20 एंड वाई इज इक्वल टू 80। तो जब यामिनी अगर 20 रुपए देगी तो फातिमा 80 रुपीज देगी, ठीक है। नेक्स्ट वन पुट एक्स इज इक्वल 30 इन इक्वेशन 1, क्लियर। सो 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 30 एंड वाई इज इक्वल टू 70 पुट एक्स इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1, 40 पुट करेंगे आपके पास, 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 40 एंड वाई इज इक्वल टू 60। सो ये आपके थ्री कोऑर्डिनेट्स आ गए, थ्री कोऑर्डिनेट्स से ग्राफ को बनाने के लिए सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। सो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, टेंडर का डिवीजन देखिए हम की बार, ये फाइव फाइव का कर दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। राइट डाउन एक्स एक्सिस का एक डिवीजन बराबर है 5 यूनिट्स के एंड वाई एक्सिस का एक डीआई की डिवीजन बराबर है 5 यूनिट ऑल्सो, क्लियर। सो फर्स्ट है आपके पास 20, 80, एक्स वैल्यू 20 यहां पे है और 80, 20, 80 सॉरी डिविजन होंगे तो ये बनेगा नहीं बहुत, टेन 20, 30, 40, 50, 60।
60 70 80 90 फर्स्ट है 20 और 80 20 और 80 आ रहे हैं ठीक सम। नेक्स्ट वन है 30.70 30 यहां पे और 70 कहां बेटा यहां पे 30 का ठीक सामने 70 30 के ठीक सामने 70 के ठीक सामने x की वैल्यू y की वैल्यू दिस इज योर 30.70 योर नेक्स्ट वन इज 40.60 40.60 हियर अराउंड हियर मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन में आएगा इस तरह से आगे बढ़ा देना तो ठीक है इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आएगा सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज की हमने यही क्वेश्चन करने थे अब हम करेंगे कल एक्सरसाइज 4.4 और हमारा 4.4 चैप्टर नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा थैंक्स।